हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपको भी ओमेकल चलाते वक्त ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, ये कैप्चा आप क्लियर करने की कोशिश करते हो तो आपको बार बार ये कैप्चा आ रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आज की वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे भी दरअसल सेम प्रॉब्लम आ रही थी ओमेकल ऐप में, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा वो आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ से आपको अपना जो क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप थ्री डॉट्स देख सकते हो, इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू इग्निटो टैब है, इस पर क्लिक कर देना है और इसमें अपने वेबसाइट को चला के देखिएगा और आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मेरी भी इससे सॉल्व हो गई थी, अगर इससे सॉल्व ना हो तो आगे मेथड ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड टॉप पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, इन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करने के बाद एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे आओगे तो यहाँ पे नीचे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिखेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते वक्त एक ऑप्शन देखेगा हमें साइट सेटिंग। तो साइट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से डिफरेंट टाइप्स के ऊपर पेज ओपन हो जाएंगे, एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ से हमें ये करना है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो साइट सेटिंग है तो हम कुछ भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो हमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे करना है जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑल साइट से सबसे पहले तो, और दूसरे नंबर पर है कुकीज़। तो हमें क्या करना है, जो भी कुकीज़ हैं यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टीज पे अगर सेलेक्ट होगी तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। किस में चेंज करना है, आपको अलो कुकीज़ में चेंज कर देना है। इसको अलो कुकी में चेंज करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, अपने डिवाइस का जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें अपने प्ले स्टोर में सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र को। तो क्रोम ब्राउज़र को सर्च कर लेना है और इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आपको वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसे